और 2 ही महीने इसको इस्तेमाल करने से आप देख पाएंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के लिए एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से बनाई जाएगी। इस कॉम्बिनेशन को अगर आप सही तरीके से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको 2 महीना इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट गिरता है किसी पुरुष के अंदर, तो इन तमाम बातों का ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको ये बातें जानना है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानने वाले हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक फार्मूला क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन की मदद से हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो कॉम्बिनेशन है उसको बना सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करके कैसे हम अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल को बढ़ा सकते हैं, और वो भी 2 महीने के अंदर। फिर भी दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले 1-2 लाइन बोलना चाहूँगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन है, ये बेसिकली पुरुषों के अंदर काम करती है। ये हार्मोन एक पुरुष को पुरुष बनाने के लिए सहायक रोल प्ले करता है। इसी हार्मोन का कारण से एक मेल का प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होता है, उसका लिंग में विकास होना शुरू होता है, उसका अंडकोश का साइज बढ़ना शुरू होता है, वहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू होता है, उसको यौन इच्छा होना शुरू होता है। तो ये तमाम चीज़ें तभी होता है जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे शरीर में बनना शुरू होता है। एक बच्चे के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता 12 साल के बाद जब बढ़ना शुरू होता है तभी ये चीज़ें हो पाता है। तो दोस्तों, मैं आपको 1 लाइन में ये समझा दिया कि ये हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक पुरुष की लाइफ में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को जानने के लिए हम लोग एक ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है या नहीं। और यदि आपका उम्र 20 से 45 वर्ष का भीतर है और आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो रिपोर्ट आया है वो अगर 400 नैनोग्राम पर डेसिलीटर से नीचे है तो वहां पे बेशक आपको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है और उसके लिए आपको अपना इलाज स्टार्ट करना चाहिए, या आपको हमारा ये कॉम्बिनेशन जो हम आपको बताएंगे वीडियो में इसको आपको स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेके आना है। दोस्तों, इस फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आना है मार्केट से। दोस्तों, मैं मेडिसिन का नाम बोल देता हूँ और साइड में लिख भी देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जो मेडिसिन आपको लेके आना है उसका नाम कुछ इस प्रकार है: डामियाना 6CH, ट्रेबुलस टेरेस्टस 6CH, आर्निका 6CH, जिंसिंग 6CH और कोनियम मैकुलेटम 6CH। ये 5 मेडिसिन आपको 6CH पोटेंसी में लेके आना है और 10-10 ml की डॉक्टर रेगबेक की लेके आना है। और जब आप मेडिसिन परचेस करने के लिए जाइएगा तो शॉपकीपर को आप कहिएगा कि मुझे एक 50 या 100 ml का एक खाली कंटेनर दे दीजिए, और उस कंटेनर में आप ये 5 के 5 मेडिसिन पूरी की पूरी आप डाल दीजिए, और उस बॉटल को अच्छी तरह से आप सेक करके हिला के उसको आप रख दीजिए। तो ये आपका बन गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन को आपको कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इसका 5-5 बूंद आपको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5-5 बूंद 2 चम्मच पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा। खाली पेट आपको लेना है, एम्प्टी स्टमक आपको लेना है, हर दिन लेना है, एवरीडे आपको लेना है, अप टू 2 मंथ्स। और 2 ही महीने इसको इस्तेमाल करने से आप देख पाएंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, और आपको अंदर से फील भी होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। वो आपका बॉडी खुद रियलाइज़ करेगी, आप फील कर पाएंगे कि आपका अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहा था लो टेस्टोस्टेरोन के कारण से, वो प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक कमी आ चुका है। ये कॉम्बिनेशन मैंने बहुत पेशेंट के ऊपर आजमाए हैं, बहुत पेशेंट के ऊपर हमने आजमा के देख लिया है कि क्लिनिकली प्रूवन है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, या मेरे जैसे कोई और डॉक्टर है जो यूट्यूब में आप लोगों को कोई फॉर्मूला बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या इम्प्रूवमेंट बहुत कम हो रहा है, तो इसका अर्थ आप ये ना निकालें कि होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी काम नहीं करता है। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता है तो इसका अर्थ आप ये निकाल सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम की जो गहराई है, जो रूट कॉज है, वो काफ़ी गहराई तक पहुँच गया है, और इसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही करना है, लेकिन होम्योपैथी में होम्योपैथी के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। अब होम्योपैथी के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कोई भी डॉक्टर अपनी वीडियो में इस तरह बता नहीं सकता है, बता के नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। तो इसके लिए कोई भी मेडिसिन का सिलेक्शन हो सकता है आपके केस के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी एक अच्छी क्लासिकल MD होम्योपैथ के पास जाकर उनके सामने पूरा केस टेकिंग देकर ही आपको अपना इलाज स्टार्ट करना पड़ेगा।
तो बेशक आप इस कॉम्बिनेशन को पहले स्टार्ट करके आप देख सकते हैं, इसमें चांसेस 70% है कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इसी से बढ़ जाए। और यदि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ रहा है इससे, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। आप किसी अच्छी क्लासिकल डॉक्टर के पास जाकर, जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता है, उसके पास जाकर केस टेकिंग देके कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करा लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपको ये जानना है कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का रिजल्ट कैसे आता है, परिणाम कैसे आता है, तो इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की दरकार नहीं है। अगर आप हमारा ही वीडियो उठा कर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से कैसा परिणाम आता है। हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत सारा केस वीडियो भी है। केस वीडियो का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आए हैं, प्रॉब्लम उस समय कैसा था और इलाज कराने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कराने के बाद उनका प्रॉब्लम कैसा है, ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि लोगों के अंदर होम्योपैथी को लेकर जागरूकता फैले। उन वीडियोस को अगर आप देखेंगे, या कम्युनिटी में जो पेशेंट का पिक्चर डालता हूँ प्रॉब्लम का, या जो फीडबैक डालता हूँ पेशेंट का, उसे भी अगर आप देखेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि क्लासिकल होम्योपैथी कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछे, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई आपको दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।